ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अगर अर्थ पे हम कहीं पे भी जाते हैं मान लो, तो मेरे पास एक मैग्नेट की अपने आप में टोटल मैग्नेटिक फील्ड आती है, राइट। तो ये मैंने बताया था, मान लो ये टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड है ये मेरे पास बी है, ठीक है। तो अगर ये मेरे पास बी है तो जरा बताना, मैंने बताया था ना कि हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट से एक एंगल लेते हैं। मान लो ये वाला मेरे पास क्या है, ये हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल से लेके चल रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल है मेरे पास। तो अगर ये मेरे पास मान लो डेल है, ठीक है, मान लो एंगल ऑफ डिप है मेरे पास ये, तो जरा बताना फिर हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट कितना आएगा इस बी के टर्म्स में। बी कॉस डेल्टा या फिर यस, ये तो जो भी है, हाँ, बी बी कॉस कॉस डेल्टा, डेल्टा। अच्छा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है फिर वो क्या बन जाएगा मेरे पास, बी साइन बी डेल्टा। साइन डेल्टा। यस, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट का अगर मैं देखूंगा तो, अच्छा वर्टिकल कंपोनेंट को ना एक काम करते हैं, जैसे एक काम करो, ये बी साइन थी साइन डेल लिखो, और यहाँ पे लिखो ये बी कॉस डेल, ठीक है, कॉस डेल। तो जरा मुझे एक बात बताना, अगर मैंने ये रेशियो लिया है तो बी से बी मेरा कट सकता है, यस और नो? तो अगर बी से बी मेरा कट जाएगा तो ये अपने आप में क्या बन जाएगा, टेन डेल बन जाएगा। तो जरा बताना, मैंने ये ऊपर ऊपर क्या लिया था, वर्टिकल कंपोनेंट लिया था या हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और नीचे वाला क्या लिया था, हॉरिजॉन्टल, राइट। तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, अपॉन में हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू टेन डेल, इजंट इट? ये फॉर्मूला बताया था लास्ट क्लास में, यस सर। ठीक है। अच्छा मान लो, अगर जैसे कुछ लोग टीचर ना वी को ना वी लिखते नहीं है, वर्टिकल कंपोनेंट है ना, तो कुछ लोग इसको बी वी लिखते हैं, ठीक है। तो एक ही बात समझना, चाहे अगर कोई टीचर वी लिख रहा है या बी वी लिख रहा है, बी वी नहीं, बी वी, ठीक है, उल्टा सा सोच लो। और ये मेरे पास क्या है, बी एच, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, इसका मीनिंग भी क्या होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ही होता है, ठीक है, इज दैट क्लियर? तो अब एक काम करो, जरा जो मेरे पास वर्टिकल कॉम्पोनेंट है और जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट है, उसका जरा स्क्वायर और समेशन लेना। तो अगर तुम इसका स्क्वायर और समेशन लोगे तो जरा बताना ये क्या बन जाएगा, कहना इसे। देखो वर्टिकल कॉम्पोनेंट क्या था मेरे पास, वी बी साइन डेल, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, और ऐसे ये क्या बन जाएगा हॉरिजॉन्टल वाला, बी फिर स्क्वायर। सिर्फ बी स्क्वायर ही आ जाएगा। अच्छा एक सेकेंड, बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, और ये क्या बन जाएगा मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है, तो ये इंटू वन हो जाएगा। इसका मतलब ये जो टोटल बी है, ये टोटल भी किसके आएगा भाई, ये तो एक तरह से पाइथागोरस जैसा ही हो गया, बी वी स्क्वायर प्लस का बी एच स्क्वायर, राइट। तो इसका मतलब अगर तुम्हें हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट पता है, अगर तुम्हें वर्टिकल कॉम्पोनेंट पता है, तो क्या तुम टोटल वाला भी निकाल लोगे, यस सर। टोटल वाला बी निकल के आ जाएगा। तो जरा बताना एक बार दीक्षा, मैंने कल अर्थ के तीन कॉम्पोनेंट बताए थे, वो तीन कॉम्पोनेंट कौन कौन से थे? डेक्लिनेशन, इंक्लिनेशन और हॉरिजॉन्टल हाँ, कंपोनेंट, और इंक्लिनेशन को एक चीज और बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप। यस, वेरी गुड, ठीक है भाई। तो यस कृति, एंगल ऑफ डिप क्या था वैसे, मैंने कुछ बताया था ना, एंगल ऑफ डिप, वो हॉरिजॉन्टल और वो मैग्नेटिक फील्ड के बीच का वो एंगल था, इंक्लिनेशन। यहाँ पे कहीं पे है एंगल ऑफ डिप, हाँ सर, डेल्टा। यस। तो ये एंगल डिप भी क्या है मेरे पास, डेल्टा है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड जब हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बनाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप बोलते हैं, ठीक है, ठीक है भाई। तो यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत तो नहीं है? यस पीपल, बताओ भाई, ये लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था। अच्छा जरा बताना, जब मैं मान लो इक्वेटर पे आ जाऊंगा, इक्वेटर पे मान लो ये मेरे पास इक्वेटर पे आ जाऊंगा, यहाँ पर अगर मैं इस पर आ जाऊंगा तो मेरे पास एंगल ऑफ डिप कितना हो जाएगा इक्वेटर पे, जीरो क्यों? क्योंकि देखो अगर मान लो तुम इक्वेटर पे आ चुके हो पूरा का पूरा यहाँ पे, तो तुम्हारी मैग्नेट भी ऐसे कर रही है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये तो जीरो ही हो जाएगा ना भाई। अगर तुम इक्वेटर पे आ गए हो तो तुम्हारा डेल कितना हो जाएगा, तुम्हारा डेल जीरो हो जाएगा। तो इक्वेटर पे डिप कितना होता है, हमेशा ध्यान रखना, जीरो। अच्छा अगर तुम अर्थ के पोल पे चले गए यहाँ पर, तो पोल पे डिप कितना हो जाता है मेरे पास, 90। ठीक है, इस चीज का याद रखना सारे बच्चे, ये जो डिप है अगर बीच में कहीं पर हो तो वो डिप ही रहेगा, कितना भी हो सकता है, 60 70 80 जितना भी करना है तुम्हें। लेकिन जब तुम इक्वेटर पे आओगे तो वही डिप मेरा कितना बन जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों, जीरो, ठीक है। तो अगर वो जीरो हो जाएगा तो जरा बताना, तो वो एच और बी बराबर नहीं हो जाएगा? देखो ये हॉरिजॉन्टल का फॉर्मूला क्या होता है, बी कॉस डेल्टा। तो जब तुम डेल्टा को जीरो रखोगे तो ये एच इज इक्वल टू बी नहीं हो जाएगा? कभी कभी क्वेश्चन भी आता है, बताओ वो कि हम, यस अगर मेरे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और टोटल मैग्नेटिक फील्ड बराबर आ गई है तो बताओ मैं कहाँ पे खड़ा हूं, तो कहाँ पे खड़े हम,
इक्वेटर पे खड़े हैं, राइट? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। ठीक है, ठीक है भाई। तो ये तो था मेरे पास अर्थ के तीन कंपोनेंट, ठीक है। अच्छा देखो, अब ना मेरे पास ना कुछ डेफिनेशंस हैं, और उन डेफिनेशन से, अच्छा जिसने सॉलिड स्टेट पढ़ लिया है, सॉलिड स्टेट वाला क्या कहते हैं, केमिस्ट्री वाला फर्स्ट चैप्टर जो है, तो उसमें लास्ट में तुमने कुछ सब्सटेंस पढ़े होंगे, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक, राइट, एंटी फेरी मैग्नेटिक, कुछ याद है किसी को? डाई, पैरा, फेरो, फेरी मैग्नेटिक, एंटी फेरी मैग्नेटिक, उसमें पांच है, लेकिन फिजिक्स में तीन पढ़ने हैं, पैरा, डाई और फेरोमैग्नेटिक। तो इन चीजों को पढ़ने से पहले ना तुम्हें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। अब वो चीजें क्या है, कुछ ना डेफिनेशन है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हर कोई जानता है, यस और नो? भाई अगर कोई भी करंट होता है या कोई भी मैग्नेट होती है, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है, नहीं होती? यस सर। अच्छा, मैग्नेटिक इंडक्शन अगर मैं पूछूं तो वो क्या होता होगा? मैग्नेटिक इंडक्शन सोचो, मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता होगा? एक फील्ड से मतलब दूसरी बॉडी में इंड्यूस करना। जैसे याद है, जब मेरे पास ये मैग्नेट है और मैंने यहाँ पे एक लोहा इसके साथ रख दिया, तो जब मैंने लोहा इसके साथ रख दिया तो वो लोहा थोड़ी देर बाद मैग्नेट बन जाता है ना? Yes, इसका शायद मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे मान लो पहले दीक्षा बहुत सीधी थी, इसको कुछ नहीं पता था, लेकिन जब से इसने श्रेया को देखा है, इसकी हरकतें थोड़ी चेंज हो गई है, राइट? तुमने नोटिस किया होगा। तो इसका मतलब बताओ, श्रेया के कॉन्टेक्ट में आके इसका बिहेवियर चेंज हुआ या नहीं हुआ? तो इसे ही तो बोलते हैं कि बताओ इसके अंदर कितना कैरेक्टर आ गया, नया कैरेक्टर कितना है, सुधरी है ये, उसके बाद सुधरी है ये। तो इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं इंडक्शन, कितना नया कैरेक्टर इंड्यूस हुआ है तुम्हारे अंदर, ठीक है? तो ये इंडक्शन है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? तो ऐसे बाहर से टॉपर लगती है, अंदर से। ओ, तुमने सब जान लिया बेटा, वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। कृति को ज्यादा पता होगा। अरे भाई, अब सारा टीकड़ा कृति के ऊपर फोड़ दो। चलो वेरी गुड, अच्छी बात है, हम बहुत खुश हुए कि तुम लोगों के अंदर इतना प्यार है, ये बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है? तो हमारे पास क्या, आप देखो, अब जो मैग्नेटिक इंडक्शन का समझ में आ गया, कोई भी मटेरियल को रखेंगे तो उसके अंदर मैग्नेटिज्म आ जाता है, तो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना मेन टॉपिक लेता हूँ, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। तो सारे बच्चे याद रखना, मेरे पास पहला टॉपिक जो डेफिनेटिव पार्ट है वो मेरे पास है। देखो चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है, इसमें कुछ है नहीं अब, क्योंकि इसमें ना एक एक टॉपिक है हिस्टेरेसिस, वो हिस्टेरेसिस सीबीएसई ने लास्ट ईयर हटा दिया था, मे बी इस बार ऐड कर दिया हो, तो वो बाद में आएगा अपडेट होकर सिलेबस, तो अभी तो वो हटा हुआ है, तो वो हमें नहीं पढ़ना है हिस्टेरेसिस। तो बस ये ऑलमोस्ट ये लास्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मेरे पास क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। देखो मेरे को एक बात बताओ, जैसे कोई भी एक मैग्नेट है तो उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, यस और नो? यस सर। अच्छा, अब उस मैग्नेट की अपनी फील्ड है, तो अब बताओ उसकी भी अपनी एक एबिलिटी है ना कि वो किसी भी मटेरियल को कितना मैग्नेटाइज करेगा। जैसे मान लो मैं एग्जांपल श्रेया का ही लेता हूँ, तो अभी तुमने बोला कि दीक्षा पहले कुछ और थी, अब चेंज हो गई, अभी श्रेया नहीं बोला, तो इसका मतलब श्रेया के आने से दीक्षा के अंदर थोड़ा सा चेंज आ गया, ठीक है? तो अगर चुप हो जाओ बत्ते, तो श्रेया के आने से दीक्षा के अंदर कुछ चेंज आया है, तो वो दीक्षा की एबिलिटी हुई ना, सॉरी सॉरी, श्रेया की एबिलिटी हुई ना, क्योंकि श्रेया ने दीक्षा को चेंज किया, को क्रेडिट ही नहीं मिलता कहीं, ठीक है? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, बवाल मत कर बे, चुप हो जाओ, ये लड़ाई भाई बाद में करना, ठीक है? और इस लड़ाई के पीछे जो प्यार है ना, वो भी मुझे दिख रहा है। हाँ, ऐसे अगर मैं कृति की बात करूं, मान लो दीक्षा, जैसे जब कृति आई तो दीक्षा के अंदर कुछ चेंज नहीं आया, दीक्षा ने बोला आई एम व्हाट आई एम, मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ, मेरे को जैसी हूँ वैसी मेरे को एक्सेप्ट करो, ठीक है? तो श्रेया के आने से दीक्षा को चेंज होना पड़ता है, अपना थोड़ा सा दिखाना पड़ता है कुछ किया, मैं ज्यादा अच्छी, लेकिन लेकिन कृति के आने से दीक्षा जैसी होती है वो वैसी ही दिखाती है। इसका मतलब कृति के आने से कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन श्रेया के आने से लोग चेंज हो रहे हैं। तो जरा बताना किसकी इंटेंसिटी, किसकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा कही जाएगी? श्रेया, श्रेया की ना, क्योंकि उसके आने से लोग चेंज हो जाते हैं। मान लो कोई टेढ़ा मेढ़ा खड़ा हो, श्रेया को देखते लोग सीधे हो गए, क्यों? ठीक है, मान लो कोई सीधा खड़ा हो तो वो टेढ़ा मेढ़ा खड़ा हो ये हो सकता है, चलो ठीक है। तो इसका मतलब, तो ये एक एबिलिटी है मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी के बारे में, कि कोई भी किसी भी मीडियम के अंदर कोई भी कितना मैग्नेटाइज कर सकता है, ठीक है? तो अब देखो, ये तो हुआ बोलने वाली बात, अब इसका ना न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, देखो इसको ना हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इनटू में आई। ये देखो, एक तो डेफिनेशन वैसे ही हो गई, एक है न्यूमेरिकल वैल्यू। तो n इनटू में i मेरे पास क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। जितना ज्यादा तुम करंट भेजोगे, ठीक है,
तो ये उस पे एक सिग्निफिन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है ना। अच्छा सर देखो यहाँ पे ना कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर अगर मान लो हमने करंट भेजा ही नहीं, मैग्नेट के अंदर तो करंट होता ही नहीं है, मान लो मैं मैग्नेट की बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं मैग्नेट की बात कर रहा हूँ तो सर बताओ मैग्नेट में तो कोई करंट होता ही नहीं है भाई। एक तो मैग्नेटिक फील्ड आती है करंट की वजह से, उसे गोली मारो। अगर मैं मेरे पास एक बार मैग्नेट आ गया तो क्या बार मैग्नेट के अंदर अभी कोई करंट है राइट नाउ? नो सर। तो उसके अंदर तो कोई करंट नहीं है, तो अब उसके लिए हम क्या बोलेंगे फिर एन इंटू में एल। ठीक है ज्यादातर हम यहाँ पे मैग्नेटी लेके चलेंगे तो हमें क्या रखना है एन इंटू में एल लेके चलना है। तो सारे बच्चे लिखे मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी के अंदर लिखे सारे बच्चे द एबिलिटी ऑफ अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, द एबिलिटी ऑफ अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइज, टू मैग्नेटाइज अ मटेरियल, टू मैग्नेटाइज अ मटेरियल इन एनी गिवन मीडियम, इन एनी गिवन मीडियम। भाई ये एक मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है। जैसे मान लो कुछ लोग, जैसे हर बहुत सारे लोग मैं देखूंगा, कुछ लोग एकदम नॉर्मल होते हैं, उनसे बात करने में अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं एकदम बॉडी की एनर्जी खत्म हो जाती है, सारा मूड ऑफ हो जाता है। जैसे मैं अभी एक वो देख रहा था, हमारा मैम है मतलब मीम देख रहा था, उसमें लिखा था कि जब मेरा कोई दोस्त जन्म लिया तो कहता है तौबा तौबा सारा मूड खराब कर दिया। तो इसका मतलब कुछ लोग होते हैं ऐसे नेगेटिव, वैसे तो वो मीम था ठीक है, मैं सीरियस लेके चलूं तो हर किसी के सामने से कुछ लोग ऐसे होते हैं सच में एकदम मूड ऑफ हो जाता है ठीक है। तो कुछ लोगों के आने से एकदम मूड एकदम अच्छा हो जाता है, पूछो मैं ठीक है अच्छा लगता है। तो वो मेरे पास क्या है, तो ये किसकी बात हुई, तो ये एबिलिटी हुई मैग्नेटाइजिंग फील्ड की। तो द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइज अ मटेरियल इन एनी गिवन मीडियम, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं सारे बच्चे बोलेंगे एच से। तो न्यूमेरिकली किसके बराबर होता है एन इंटू में लेंथ ठीक है। तो एच इज इक्वल टू क्या होता है एन और लेंथ के बराबर होता है। तो न्यूमेरिकली हम क्या बोलेंगे द नंबर ऑफ टर्न्स और बोलेंगे जो इंटू में लेंथ ठीक है। किसी कोई डाउट है इसके अंदर? देखो अभी मैं ये अगर मैं मान लो ये जो मेरे पास नंबर ऑफ टर्न्स है कोई भी मान लो कोई भी कॉइल है इस तरीके से, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स उसका है ठीक है। तो एन इंटू में एल क्या हो जाएगा मेरे पास एच हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? नो सर। अच्छा अभी एक सेकंड पहले मैंने मैग्नेटिक फील्ड बताई थी, जैसे मान लो मेरे पास एक सोलेनोइड है, तो सोलेनोइड के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था याद है? यू एन आई, ऐसा कुछ याद आ रहा है? तो मैंने बताया याद आ रहा है हाँ, यू एन आई वो न्यूयॉर्क वाला जिसमें कैटरीना कैफ थी ठीक है। तो यू एन आई, तो ये मेरे पास है म्यू एन आई। तो मुझे एक बात बताओ अब तुम्हें, ये म्यू एन आई है मेरे पास ठीक है मैग्नेटिक फील्ड ठीक है ना, और ये मेरे पास है एन इंटू में एल हो गया मेरे पास ठीक है। अब जरा मुझे एक बात बताना, अभी मैंने एक चीज बताई कि मेरे पास जो करंट होता है ठीक है ना करंट, तो अगर मेरे पास मान लो अगर करंट हो गया तो तुम एच को क्या बोलोगे? आई मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अरे बताओ एन आई यस। तो इसका मतलब अब बताओ अगर मेरे पास मैं बार मैग्नेट की बात करता हूँ, बार मैग्नेट की, तो अगर मैं बार मैग्नेट की बात करूंगा तो जरा मुझे एक बात बताना इस बार मैग्नेट के अंदर करंट होता है या नहीं होता है? नहीं होता। नहीं। अच्छा ठीक है, अगर मैं सोलेनोइड ले लूं तो? सोलेनोइड होता है। हाँ होता। तो ये जो मेरे पास म्यू एन आई आया था ये बार मैग्नेट के लिए आया था या सोलेनोइड के लिए आया था? सोलेनोइड। वेरी गुड, तो इसका मतलब सोलेनोइड के लिए मेरे पास मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? एन आई हो जाएगी, यस और नो? तो इसका मतलब अगर सोलेनोइड वाले केस के लिए तुम्हें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड म्यू एन आई होती है और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है h into ni, तो क्या मैं इस दोनों के बीच में रिलेशन निकाल सकता हूँ b और h के बीच में? सोचो सोचो, सामने दिख रहा है? Yes, तो इसका mu मतलब not हाँ, times हो जाएगा। तो ये म्यू नॉट और ni की जगह पे क्या ले सकता हूँ मैं h, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा h हो जाएगा, isn't it? तो इसका मतलब तो मैं ये बोल सकता हूँ म्यू नॉट इज इक्वल टू b अपॉन में h। तो जो मेरे पास म्यू नॉट होता है मतलब जो परमिबिलिटी होती है वो किसका रेशियो है? मैग्नेटिक फील्ड का कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी है और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी का, फील्ड इंटेंसिटी नीचे है। किसी को डाउट है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? No. अच्छा कभी कभी ना ये भी आता है कि जो एच है तो क्या, देखो इस रिलेशन को ध्यान से देखो, तो एच इज इक्वल टू बी अपॉन में म्यू नॉट लिख सकते हैं, एक ही बात है ना? Yes, sir. अच्छा तो अगर यहीं पर क्वेश्चन एक बार आ जाए कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में एक्सप्लेन करो तो क्या बोलोगे? कहना इसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1 बाय म्यू टाइम्स द टोटल मैग्नेटिक फील्ड। देखो सामने लिखा हुआ है। Yes, नहीं आया समझ? भाई टोटल मैग्नेटिक फील्ड का 1 बाय म्यू नॉट है ना, तभी तो एच निकल के आया, गॉट इट?
तो अब इसी फॉर्मूले से जरा मुझे एक बात बताना, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा आती होगी या मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा आती होगी अगर म्यू नॉट की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो क्या ज्यादा आता होगा, एच या बी? बी डी बी बी अच्छा बी तो बी ज्यादा आएगा, ठीक है, तो डी तो है ही नहीं, तो इसका मतलब बी ज्यादा आएगा ना, क्योंकि देखो बी का डिवाइड कर रखा है म्यू नॉट, तो एच की वैल्यू तो हमेशा कम ही आएगी ना। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? अच्छा तुम लोग क्या करो, ये वाला ही करो, सोलेनोइड वाला ही एग्जाम में आता है, ठीक है ना, तो सोलेनोइड वाला तुम्हें याद रखना है, तो सारे बच्चे याद रखेंगे एच इज इक्वल टू एन इन टू में आए, तो ये म्यू एन आए होता है। देखो ये तो मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है ये वाला पोर्शन, ठीक है ना, ये वाला एक्स्ट्रा है, तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, एच इज इक्वल टू एन आई, दैट्स इट, और कुछ नहीं, ठीक है, इतना याद रखो, और कुछ से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? तो इट इज द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइज अ गिवन मटेरियल। अच्छा अब है मेरे पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, दूसरी डेफिनेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अरे भाई तुम तीनों के अलावा और लोग हैं या नहीं? अतुल, मनराल, तरफदार गौरव, इशिका, प्रियांशु, रितेश, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल एकदम, सबके सब मनमोहन सिंह जी के दीवाने हो गए हैं, कुछ नहीं बोलेंगे हम। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो मेरे पास ना कोई भी एक मटेरियल है, ठीक है, तो जैसे मान लो मेरे पास कोई भी एक सिंपल सा मटेरियल है, ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई भी एक मैग्नेटिक मटेरियल है, मान लो अब जैसे तुमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी दी थी, राइट, जैसे कोई भी मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ रही है, तो अब जब मैं कोई भी अपना मटेरियल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूंगा, तो देखो इसके अंदर मैंने तुम्हें बताया था ना, जब भी कोई भी चीज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहती है तो इसके अंदर ना डाइपोल्स होते हैं, तो बताओ इनकी इसकी जो डाइपोल होंगे मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट इसके अंदर डेवलप होगा या नहीं होगा? देखो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड आई, तो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड आई तो इसके अंदर भी तो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट आएगी, नहीं आएगी? जैसे अभी मैंने क्या बात करी तुम लोगों को कि श्रेया के आने से दीक्षा का बिहेवियर चेंज हो गया, तो अभी मैंने बात करी थी श्रेया पे, श्रेया की वजह से मेन फोकस श्रेया था, अब मैं यहाँ पे मेन फोकस कहाँ पे ले रहा हूँ, दीक्षा को, कि दीक्षा के अंदर कितना चेंज आया, बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड कितनी भी आई उससे मतलब नहीं है, दीक्षा ने अपने आप को कितना चेंज किया, ये है मेरे पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसका मतलब पहले तो मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे थे कि वो मैग्नेटिक फील्ड कितना इसे मैग्नेटाइज कर सकती है, अब हम ये देखने की ये कितना मैग्नेटाइज हुआ, इसके एक छोटे से वॉल्यूम में कितना ज्यादा डाइपोल मूवमेंट आया, मैग्नेटिक मूवमेंट आया, ठीक है। अच्छा अगर मान लो इसमें ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा तो ये ज्यादा मैग्नेटाइज हुआ है कम मैग्नेटाइज हुआ? ज्यादा हो गया। और मान लो कुछ जैसे मान लो मेरे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, लकड़ी, ठीक है, तो देखो उस टाइम पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी तो ज्यादा थी, बहुत ज्यादा हाई मैग्नेटिक फील्ड थी, लेकिन क्या लकड़ी जो वुड है वुड अपने अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को डेवलप कर पाएगी क्या? क्या कोई लकड़ी का टुकड़ा मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप कर पाएगा? नहीं ना। तो उस टाइम पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कुछ होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर कुछ डेवलप कर ही नहीं पाया, बेशक तुमने इतनी ज्यादा हाई मैग्नेटिक फील्ड दी थी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो एक बात मैं कर रहा हूँ, कोई एक्सटर्नल फील्ड कितना दे रहा है, कितना मैग्नेटाइज कर सकता है वो, और एक वो कोई कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, कितना ज्यादा वो मैग्नेटिक डाइपोल अपनी बॉडी के अंदर ला सकता है, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट को ला सकता है, ठीक है भाई। तो जब भी हम किसी भी चीज को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में रखेंगे तो अब वो कितना डेवलप होगा, तो इसको हम देखो एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम बोलते हैं कितना मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये स्मॉल एम का मतलब क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट। तो सारे बच्चे लिख लेंगे, लिखें द मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल, द मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल व्हेन प्लेस्ड इन अ किसके अंदर रखा होगा जरा बताना, व्हेन प्लेस्ड इन अ सोलेनोइड नहीं मैग्नेटिक पर ऊपर बताया ना वॉल्यूम के बात क्या था, एक सेकंड, पर यूनिट वॉल्यूम व्हेन प्लेस्ड इन अ, अरे ये क्या है, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, भाई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही तो रखा था, मैग्नेटिक फील्ड की अपनी एक एबिलिटी थी ना, तो उसमें तो रखोगे, यार समझ, तो व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक, या सिंपल लिख लो चलो मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलो या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो, ठीक है ना, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड,
दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. ध्यान रखना, कुछ लोग बोलते हैं अरे एक ही बात है, ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत फर्क है. मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है उस मटेरियल के बारे में जो मैग्नेटाइज हुआ है. ठीक है, अच्छा ये तो चलो लैंग्वेज की बात हुई, मतलब सिंपल लैंग्वेज हुई. लेकिन अगर न्यूमेरिकली बोलना चाहे तो न्यूमेरिकली कैसे बोल पाएंगे? न्यूमेरिकली मैग्नेटिक डाइपोल अपॉन वॉल्यूम, कैन आई से मैग्नेटिक मूवमेंट, डाइपोल भी बोल सकते हैं. मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना? तो कितना मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम में, ये मेरे पास क्या होता है, स्मॉल m अपॉन में v. भाई किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर. नो सर. ठीक है, तो आई होप तुम सबको याद रहेगा. अच्छा देखो अपना ये मेरे पास जैसे मैग्नेटिक मूवमेंट है, तो इसको भी ना हम n into i लिख सकते हैं. कैसे? देखो मैग्नेटिक मूवमेंट का मैंने एक दिन फॉर्मूला लिखवाया था, याद है? आई इंटू ए बोर मैग्नेट्रॉन में यूज हुआ था. आई इंटू ए याद करो, कल बताया था आई इंटू ए मैग्नेटिक मूवमेंट. यस सर. ठीक है ना, तो मान लो मेरे पास जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो ही मान लो मेरे पास आई इंटू ए. मान लो अगर बार मैग्नेट हुआ तो एन भी हो सकता है, बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं ना. इलेक्ट्रॉन एक चक्कर लगा रहा था इसलिए मैंने आई इंटू ए करा था. अगर मान लो वो बहुत सारी ऐसी कॉइल बना रहा होता तो तुम क्या करोगे? एन इंटू आई इंटू ए. तो ये n into y into a हो गया. अच्छा वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम को हम कैसे लिख सकते हैं? a into l into l a into l हो जाएगा मेरे पास. तो एक तरह से क्या हो जाएगा, क्या मैं a से a काट सकता हूँ? तो a से a काट गया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास एक तरह से हो जाएगा n into i upon में लेंथ. अच्छा अगर मान लो अगर मैं लेंथ ही यूनिट ले लूं, मतलब एक स्टैंडर्ड ले रहा हूँ वन यूनिट के लिए, तो वन यूनिट के लूंगा तो मेरे पास ये भी क्या हो जाएगा, तरह से एनआई हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस सर. है ना, तो ये भी मेरे पास एनआई हो जाएगा. लेकिन ध्यान रखना ये जो एनआई है, ये वाला जो करंट है ना, मतलब जो मैंने निकाला है, तो ये बेसिकली हम ले रहे हैं बार मैग्नेट के लिए. ठीक है ना, तो बार मैग्नेट हुआ है मेरे पास, या फिर चलो कॉइल के लिए भी ले सकते हैं. बार मैग्नेट में लेकिन करंट थोड़ी होगा. देखो ठीक है, तो बार मैग्नेट के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं. लेकिन देखो ये मैंने बस एक रिलेशन बनाया है. बिल्कुल सही बोल रहे हो कि वहां पे कोई करंट नहीं होगा तो फिर ऑफ कोर्स हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे. ये बस मैं एक तरह से रिलेशन बना रहा हूँ. वैसे अगर तुम किसी भी बुक के अंदर देखोगे तो उस बुक के अंदर इतना बता रखा है. लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे आगे जाके जाओगे तो उसके अंदर ना कोई भी तुम्हें करंट दे देगा और उससे बोलेगा कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन निकालो. तो वहां पे इस चीज का बहुत बार यूज करा रखा है कि जो स्मॉल एम है तो स्मॉल एम को तुम्हें आई इनटू ए दे दिया जाएगा. और मान लो अगर तुम्हें सोलेनोइड दे दिया जाए तो उसके तो नंबर ऑफ टर्न्स भी होते हैं, तो एन से भी मल्टीप्लाई करने के लिए बोल सकता है. ठीक है ना, और नीचे वॉल्यूम होगा. ठीक है, तो ये चीज भी वो तुमको करवा सकते हैं. ठीक है भाई, तो ठीक है, अगर ज्यादा कन्फ्यूजन हो रही है तो करने की जरूरत ही नहीं है. बस याद रखना जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो मेरा क्या होता है, सिंपल मतलब आई इंटू में ए. ठीक है, और वो आई इंटू में अगर बहुत ज्यादा कॉइल के फॉर्म में दे रखा है, मतलब अगर मेरे को सोलेनोइड दे रखा है तो उसका तुम्हें एन से मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है. और वॉल्यूम मेरे पास क्या होता है, ए इंटू एल होता है. ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को? यस यस सर. वैसे तो ये चीज यहाँ पे खत्म हो चुकी है, लेकिन ध्यान रखना अगर आ जाए बोर्ड में तो वैसे नहीं आता, लेकिन स्टिल जैसे वहां पे मेरे पास क्या आया था, म्यू और आई आया था, सेम ऐसे यहाँ पर भी मेरे पास आ सकता है. ठीक है भाई, तो ये हो मेरे पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है इन दोनों फॉर्मूले के अंदर? यस पीपल. ठीक है, अब देखो हमने ना यार देखो दो चीजें एक तरह से पढ़ ली हैं. क्या? एक थी मैग्नेटिक फील्ड की कितनी मैग्नेटिक फील्ड आई, और एक था मेरे पास मैग्नेट के अंदर वो मैग्नेटिक मूवमेंट का डेवलप होना. उस मैग्नेटिक मूवमेंट के डेवलप होने से बताओ वो भी तो अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करेगा. यस और नो? यस सर. मान लो तुमने एक मैग्नेटिक फील्ड दे रखी थी कि मैग्नेट जैसे आयरन को दी, ठीक है, तो ठीक है मैग्नेटिक फील्ड से अब वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हुआ. अब आयरन के अंदर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डेवलप होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप होगा, तो वो भी तो अपना एक मैग्नेट बन गया, तो वो अपनी भी तो मैग्नेटिक फील्ड निकालेगा. अगर आयरन एक मैग्नेटिक फील्ड बन चुका है, मैग्नेट बन चुका है, तो वो भी अपने एक मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करेगा. तो बताओ दो दो मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो गई अब, एक तो बाहर वाली और एक उसने जो खुद डेवलप करी है. यस और नो? यस सर. ठीक है, तो इसका मतलब अब मेरे पास दो चीजें हो चुकी है. तो एक मेरे पास है जो बाहर से आई थी, और एक मेरे पास है टोटल जो कि अंदर अंदर डेवलप हुई थी. तो अगर मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड पूछ ली जाए मान लो, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड तुम क्या बोलोगे? तो एक तो मेरे पास है वो बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड,
और एक मेरे पास है वो जो अंदर डेवलप हुई है राइट, जो मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से आई है. यस सर नो, टोटल मैग्नेटिक फील्ड तो इतनी बनी ना, गेटिंग दैट पीपल? यस सर. ठीक है, तो देखो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, म्यू नॉट एच, म्यू नॉट एच, क्योंकि ये बाहर वाली थी एच, और ये मेरी जो अंदर अंदर डेवलप हुई है तो इसको हम क्या बोलोगे, म्यू नॉट एम, क्योंकि ये अंदर अंदर डेवलप हुई है ये मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो मेरे पास म्यू नॉट एच प्लस का म्यू नॉट एम की बात चल रही है, तो म्यू नॉट कॉमन हो जाएगा, तो टोटल मेरे पास आ जाएगा एच प्लस का एम. ठीक है भाई, आई होप. तो सर हाँ हाँ, हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमने इसके बाहर जो दोबारा एक मैग्नेटिक फील्ड आई है, जैसे मैंने दीक्षा को करा तो दीक्षा के पास भी आ गई, तो हमें कैसे पता चलेगा कि दीक्षा किसी और चीज को नहीं कर रही, तो उसकी भी तो होगी फिर मैग्नेटिक फील्ड, जो एक दोबारा अलग ऑब्जेक्ट होगा फिर उसकी भी होगी, तो ये तो ऐसे ही कंटिन्यूएशन में चलता जाएगा. हाँ बिल्कुल चलता रहेगा, अब तो क्वेश्चन के ऊपर है ना, बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्वेश्चन में बता देंगे. हाँ बिल्कुल बताएगा, बिल्कुल बताएगा. हाँ, वो ऐसा करके तो पूरी चेन ही बनती जाएगी, कभी खत्म ही नहीं होगा. ठीक है, हाँ तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल बताएगा वो. तो देखो सिंपल से इसको इसके समझो, जैसे मान लो मैं अभी तुम्हारी क्लास कितने की होती है, जैसे मान लो एक घंटे की, डेढ़ घंटे की मान लो क्लास होती है, तो क्या तुम सिर्फ फिजिक्स इतना ही पढ़ते हो जितना मैं पढ़ाता हूँ? क्या घर पे नहीं पढ़ते? पढ़ते हो, घर पे ही पढ़ते हो, नहीं भी पढ़ते तो अलग बात है, पढ़ते हो. ठीक है ना, तो तुम घर पे भी पढ़ते हो, तो अगर जब तुम बोर्ड एग्जाम में जाओगे अपना, वो एग्जाम जब तुम दोगे, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ जितना मैं करवा रहा हूँ उतना थोड़ी याद रहेगा तुम्हें. तुम जो घर पे एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल कर रहे हो घर पे, ठीक है ना, तो वो भी तो काम आएगा. इसका मतलब मैं जो यहाँ पे करवा रहा हूँ कंटेंट वो भी, और साथ में जो तुम नोट से पढ़ोगे वो भी, तो दोनों का इफेक्ट यूज होगा ना बोर्ड एग्जाम के अंदर, या सिर्फ एक का यूज होगा? दोनों का. तो वही वाली बात है, तो एक जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये हुआ एक्सटर्नल तुम्हारे लिए. अब जो तुम खुद अंदर से पढ़ोगे अपने अपना तरीके से, वो जाएगा एम. तो टोटल टोटल पढ़ाई कितनी हुई तुम्हारे पास, जो मैंने पढ़ाया और जो तुमने खुद भी पढ़ा, तो म्यू नॉट एच प्लस का एम हो जाएगा. तो ये है मेरे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? कैन आई से इट इज टोटल मैग्नेटिक फील्ड? अच्छा देखो, अब ना मेरे पास जैसे तुमको पता है ना, एक हर एक मटेरियल की अपनी एक परमेबिलिटी होती है. जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिया, मान लो मेरे पास एक आयरन रॉड है, एक आयरन रॉड ठीक है छोटी सी, और एक मेरे पास लकड़ी है वुड, तो जरा बताना कौन ज्यादा मैग्नेटाइज होगा? आयरन रॉड. आयरन रॉड वुड नहीं होगा, क्यों? ऐसा क्यों सोचो, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? अरे बोलो, लकड़ी है. प्रॉपर्टी क्यों? याद है जब मैंने, देखो नेचर के ऊपर चीजें डिपेंड करती है, याद है तो मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि इसकी परमेबिलिटी अलग है. म्यू नॉट बायर सेवटला में लगाते हो म्यू नॉट, मैग्नेटिक के केस में जैसे इलेक्ट्रोस्टेट में क्या लिया था, परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट जो नेचर को बताता है, इसी तरीके से मैग्नेटिज्म के लिए क्या लिया था, म्यू नॉट परमिएबिलिटी राइट. तो आयरन परमिएबल है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, वो मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ करता है, लेकिन वुड अलाउ नहीं करता है. तो परमिएबिलिटी का क्वेश्चन यहाँ पे उठा या नहीं उठा? तो इसका मतलब किसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ज्यादा है, आयरन की या वुड की? आयरन की, इसलिए वो मैग्नेटाइज हो जाता है. वुड की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जीरो है ही नहीं कुछ, तो वो मैग्नेट बनेगा ही नहीं. तो इसका मतलब मेरे पास अब जो टॉपिक आ रहा है वो है मेरे पास मैग्नेटिक परमिएबिलिटी. तो ये परमिएबिलिटी भी अपने आप में क्या है, मतलब दिखाएगा कि कौन कितना ज्यादा मैग्नेट बन सकता है. जिसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ज्यादा होगी तो उसकी बॉडी में ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जाएंगी, और वो उतना ही ज्यादा मेरे पास मैग्नेट बनता जाएगा. यस नो पीपल? तो बस इसका ना फॉर्मूला याद रखना, म्यू जो होता है ना मेरे पास वो होता है बी अपॉन में एच. अब ये बी अपॉन में एच का कोई मीनिंग बता सकता है? देखो बी का मतलब सर्वे ध्यान, इसको ना इस तरीके समझना, सर्वे ध्यान सुनो. जैसे मुझे एक बात बताओ, जब भी तुम एग्जाम में जाते हो तो मान लो तुम्हारे 100 में से मार्क्स कितने आए, 100 में से मान लो तुम्हारे मार्क्स आए हैं 90, तो जरा बताना ये नीचे वाला जो है, ये नीचे वाला क्या हुआ, ये एक्सटर्नल हुआ या तुम्हारा इंटरनल ज्ञान हुआ? 100 का मतलब टोटल, ठीक है, एक क्वेश्चन पेपर आया था टोटल, लेकिन उस पूरे क्वेश्चन पेपर में से तुम्हें कितना आता है तो वो है ना 90. Am I right? Yes, sir. Same उसी तरीके से, मान लो अब बाहर एक मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, तुमने ये एक मटेरियल रख दिया उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड के आने से ये कितना मैग्नेटाइज हुआ? तो देखो कोई चीज कितनी मैग्नेटाइज होती है उसे तो बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन. इसके अंदर कितना हुआ मैग्नेटिक इंडक्शन, टोटल की बात कर रहा हूँ मैं, ये कितना मैग्नेटाइज हो गया ओवरऑल,
तो इसको मैं बोलता हूँ बी, ठीक है। अब वो मैग्नेटिक इंडक्शन इसका अपना अपना और बाहर दोनों का मिला के हो सकता है, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया कि जब तुम पेपर देने जाओगे तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ और जितना तुम खुद खुद तुमने पढ़ा है तो वो टोटल मिला के 90 आया है, ठीक है। तो यही तो होता है, जब भी मान लो तुम रिजल्ट आएगा तो तुम यहाँ पे आओगे तो तुम बोलोगे सर सब आपकी वजह से हुआ है, फिर मैं बोलूंगा नहीं 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 इसमें तुम्हारा भी योगदान है, तुमने भी बहुत हार्डवर्क किया है, यही होता है, ठीक है। ऑल दो दोनों का ही एफर्ट होता है। तो इसी तरीके से बी क्या है, तो दोनों का एफर्ट क्या है 90, तो वो बी को हम क्या बोलते हैं, कहना इसे मैग्नेटिक इंडक्शन। तुमने पूरी 12th क्लास में इतनी नॉलेज इंड्यूस करी है, अरे भाई बोल। यस सर, यस सर। टोटल क्या है वो 100 एच। एच का मतलब कितनी बाहर से तुमने दी थी, अगर वो बाहर से ही नहीं देते तो अंदर कितना डेवलप होता, कुछ होता ही नहीं। 12th क्लास नहीं होते तो मार्क्स कहां से आते। तो इसलिए ये क्या है मेरे पास, बी अपॉन में एच, याद रहेगा सब बच्चों को। सो व्हाट इज बी अपॉन में एच, तो वी कैन से परमीएबिलिटी इज द एबिलिटी, या बोल दो इट इज अ मेजर ऑफ एक्सटेंट अप टू व्हिच लाइक एनी मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज्ड। या इसको सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू में लिख लो, लिखो इट इज द रेशियो ऑफ, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में लिख लो, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन टू द, मैग्नेटिक इंडक्शन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी, टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। भाई मैग्नेटिक इंडेक्स था ना, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, सैनिटाइजर ले लो। हाँ तो ये मेरे पास क्या है, तो ये बी हो गया और ये मेरे पास एच हो गया। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर, नो सर। ठीक है। अच्छा रितेश जरा एक बात बताओ, ये जो मैंने ऊपर बी लिखा है तो इस बी के अंदर कौन सी दो चीजें इंक्लूड है, दो चीजें हैं अपने आप में एक ही है, ये कोई दो टर्म इसके अंदर इंक्लूड है, वो कौन से दो टर्म इंक्लूड है मैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर? सर एक वो है सर, मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, हाँ, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा वेरी गुड। दीक्षा सर बी है अपना मैग्नेटिक इंडक्शन, हम्म, तो कितना उसने इंड्यूस करा है एक्सटर्नल फील्ड से और जो फील्ड उसमें थी। ये दिख रहा है इधर, देखो एक था मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और एक था मेरे पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, दिख रहा है ये दो चीजें, बताया था ना कि जो बी है वो मैग्नेटिक इंडक्शन है टोटल, तो बाहर का और अंदर का दोनों चीजें इन्वॉल्व हो रखी है, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो इसलिए वो मेरे पास हो गया बी अपॉन मैच, ठीक है भाई। तो इस मैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर कौन सी दो चीजें इन्वॉल्व हो रखी है, एक एक्सटर्नल फील्ड और एक इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। हाँ तो विदुषी, विदुषी यस सर। हाँ ये मैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर दो चीजें इन्वॉल्व है, वो कौन सी है दो चीजें? क्या सर? ठीक है, ये दो चीजें इन्वॉल्व है ना, वो दो चीजें कौन सी इन्वॉल्व है, कुछ आइडिया? नहीं पता सर इसको। अच्छा तुम बता दो कुछ। मैं तो अभी आया हूँ, सो के उठाऊ मैं तो। वेरी गुड, कितने सीरियस बच्चे हैं। ठीक है ठीक है। हाँ श्रेया तुम बता दो। सर वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इंटरनल वाली। हाँ उसका और प्रॉपर नेम क्या है उसका? ये एक्सटर्नल इंटरनल तो हमारे लैंग्वेज में हो गया मेन, वैसे क्या है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। एक्सटर्नल नहीं था ना, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी था और एक था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। भूल गए हो क्या यार, अभी तो बताया थोड़ी देर पहले। ये क्या लिखा है देखो इधर, देखो ये क्या लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच रिप्रेजेंट करते हैं, और एक क्या लिखा है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। हां और एक है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। चुप हो जाओ तुम, ठीक है। तो मेरे पास दो चीज हो गए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है भाई। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी? बेटा ये डेफिनेशन है, अगर डेफिनेशन में तुमने गड़बड़ कर दी ना तो उससे शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकती। तुम तो डेरिवेशन भी नहीं कर पाते, डेरिवेशन और डेफिनेशन भी नहीं कर पाओगे और न्यूमेरिकल तुमसे होते नहीं, तो बहुत अच्छी बात है फिर, आ रहे हैं तुम्हारे फिर बहुत अच्छे नंबर। डिमोटिवेट की बात नहीं है बेटा, फिजिक्स तुम्हें रुला देगा, पूछ लो जरा सीनियर से बात करवा देंगे तुम्हारी। हर बार फिजिक्स है तो तुम्हारे परसेंट, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे तुम्हारा एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, जेई मेन हो, चाहे नीट हो, अगर तुम्हारी फिजिक्स अच्छी है तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, अगर तुम्हारी फिजिक्स अच्छी नहीं है तो भाई भूल जाओ तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला है। क्यों? और मेडिकल में तो स्पेशली,
क्योंकि बायोकेमिस्ट्री हर कोई कर लेता है, मेन बात है फिजिक्स की, फिजिक्स उसने कर ली उसकी उसके मार्क्स आ जाएंगे। देखो 720 है, 720 में से 550 प्लस तो लेकर ही आने होते हैं, तो 550 प्लस तभी हो पाएंगे जब तुम्हें फिजिक्स आती होगी, क्योंकि 500 तो तभी जा पाएगा जब तुम्हें बायो और केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आती है, और वो क्रॉस तुम 550 क्रॉस तभी कर पाओगे जब तुम फिजिक्स का तुम्हें कुछ आता होगा। अगर तुम ये सोच रहे हो कि फिजिक्स से क्वेश्चन छोड़ के हम बायो बायो कर लेंगे या केमिस्ट्री केमिस्ट्री कर लेंगे, दोनों कर लेंगे, तो भाई तुम्हारे सामने एक लाइव एग्जांपल बैठा हुआ है, तो चले जाना फिर। अब तो अब कंपटीशन और टफ हो गया। ठीक है भाई, हाँ भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? यस एवरीबॉडी? नो सर। ठीक है, अब मेरे पास एक लास्ट है बस, इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। बस ये लास्ट है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अभी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है देखो, इसको हम बोलते हैं साई एम, ठीक है, साई एम भी बोलते हैं, तो जाई एम बोलते हैं इस तरीके से, एक्स और नीचे एम, तो ये है मेरे पास जाई और एम। अच्छा यार देखो, बहुत जैसे मैंने अभी इतनी सारी बातें ये तुमको एक्सप्लेन करी कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड आया, ठीक है, और नीचे मैंने क्या दिया, एक्सटर्नल दिया। अगर मान लो अगर मैं टोटल ना लूं, ठीक है, अगर मैं टोटल ना लेके सिर्फ इतना ले लूं कि उसने अंदर अपना कितना किया, जैसे मान लो तुम ये भूल जाओ कि मैंने तुम्हें कितना पढ़ाया, ठीक है, भूल जाओ, बस ये देखो कि पेपर हुए, मतलब पेपर हुए तुम्हारे, और तुमने जितना पढ़ा था तुम सिर्फ उतना ही लिख कर आए, बाकी तुम सब भूल गए लेक्चर में तुमने क्या पढ़ा, ठीक है, वैसे मैंने तुम्हें पढ़ाया वो याद है मान लो, लेकिन जब एग्जाम हुआ तो एग्जाम में तुमने एग्जाम से एक घंटे पहले कुछ पढ़ाई करी थी, तुम पूरे साल तुमने क्या पढ़ा तुम सब भूल गए, कभी ऐसे ब्लैक हो जाते हैं लोग, और जो एक घंटे पहले तुम पढ़ रहे हो दोस्तों से ऐसे और खुद ही दो चार लाइनें तुम्हें पढ़ी, तुम बस वो लिख कर आए। तो बताओ अब यहाँ पे मैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड लूं या फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन लूं, सोचो। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन लोगे ना दूसरा वाला, जो सिर्फ उसने खुद डेवलप किया है, बाहर वाले को नहीं लेके चलना। मैग्नेटिक इंडक्शन में दोनों चीजें इन्वॉल्व हो जाती है, लेकिन तो ये जाई है मेरे पास क्या होता है, कैन आई से एम अपॉन में एच सिर्फ, क्यों, देखो वहां पे भी एच था नीचे और यहाँ पर भी एच है, बस वहां पे क्या था, बी था, बी का मतलब टोटल, उसमें एच इन्वॉल्व था ऊपर ऊपर, यहाँ पे ऊपर एच इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एम है, मतलब इंटरनली उसने खुद कितना मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप किया। ठीक है भाई, आगे समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या कहते हैं, कहना इट इज द रेशियो ऑफ मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, जो बोली थी श्रिया, मैग्नेटाइजिंग, हाँ, तो सारे बच्चे लिख लें, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी में लिख लो, इट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी एच। अच्छा तो ये जो एम है, ये एम एक तरह से इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है या आउटर या दोनों या कोई internal. भी नहीं, हाँ, और ये एच क्या है मेरे पास, एक्सटर्नल, हाँ, जो बाहर से आ रही थी, राइट, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? सर एक बार ये डेफिनेशन रिपीट करना, इट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ज़ाई एम व्हिच इज इक्वल टू एम बाय एच। ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को? यस सर। तो बस ये वाला मेरे पास था डेफिनेटिव पार्ट जो तुम लोगों को पता होना चाहिए था। ठीक है, अब देखो हमारे पास ना एक वाला पोर्शन आता है जो आई गेस तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा सॉलिड स्टेट के अंदर, बट स्टिल मेरे को बताना तो पड़ेगा ही। तो देखो मेरे पास ना, देखो तीन टाइप के मटेरियल होते हैं, एक मेरे पास होता है डाई मैग्नेटिक, ये तुम केमिस्ट्री में ही पढ़ोगे, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, एक मेरे पास होता है पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंसेस और एक मेरे पास होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरो तो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है भाई, तो ये मेरे पास ना तीन चीजें हैं, तीन टाइप के मटेरियल में मिलते हैं। तो देखो अब अगर मैं बात करता हूँ, जैसे मैग्नेट की बात करता हूँ, मान लो कि मेरे पास अगर मान लो कोई भी एक मैग्नेट है, मतलब मैग्नेट के इफेक्ट की अगर मैं बात करूँ, तो अगर तुम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के सामने मैग्नेट लेके जाओगे ना, वो उससे अट्रैक्ट नहीं होती, बल्कि वो उससे रिपेल होती है, और वो कोई ज्यादा रिपेल नहीं होती है, थोड़ी बहुत रिपेल होती है, इसकी प्रॉपर्टी है। तो डायमैग्नेटिक अगर तुम मैग्नेट लेके जाओगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में, तो ये क्या होते हैं मेरे पास, दे आर फीबली रिपेल्ड, सो दे, या बोल सकते हैं दे आर फीबली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट, फीबली या बहुत ही कम, फीबली रिपेल्ड
ठीक है, पैरामैग्नेटिक क्या होता है, ये पैरामैग्नेटिक तो अच्छे होते हैं, मतलब अगर तुम मैग्नेट लेके जाओगे तो ये भी अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन ये भी कोई खास अट्रैक्ट नहीं होते हैं, तो ये वाले क्या होते हैं, फीबली अट्रैक्टेड, तो ये थोड़े से अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन फेरोमैग्नेटिक पूछो ही मत, बहुत अट्रैक्टेड, तो ये क्या है मेरे पास, हाईली अट्रैक्टेड, या हाईली की जगह पे लिखना चाहिए स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड, ठीक है भाई। तो अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड लेके जाओगे, मैग्नेट लेके जाओगे, तो ये क्या होगा, उससे बहुत ही स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड होगा। तो ये तो है सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन इन सबका, जो तुम्हें पता होना चाहिए था, ठीक है भाई। यहां तो किसी को दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लेके जाऊंगा तो डायमैग्नेटिक रिपेल होता है या अट्रैक्ट होता है, रिपेल होता है, स्ट्रॉन्गली या वीकली, वीकली। अच्छा देखो, कभी ना क्वेश्चन आता है कि मान लो अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर की साइड जा रही है ऐसे, तो ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस उसके टूवर्ड्स आना चाहेगा या इससे दूर जाना चाहेगा, दूर दूर जाना चाहेगा। अच्छा, बहुत तेजी से या बहुत, मतलब आई मीन ओके ओके टाइप से, मतलब ओके ओके टाइप से ना, ज्यादा तेजी से नहीं आएगा क्योंकि वो फीवली है, फीवली का मतलब धीरे ज्यादा अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ना वो मैग्नेटिक फील्ड की जगह पर ना नॉन मैग्नेटिक फील्ड लगा देगा। अरे भाई, मैग्नेटिक फील्ड हो, यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, बिहेवियर उसका वो ही रहेगा, ठीक है ना। तो भाई बिहेवियर उसका वैसे रहेगा, मान लो श्रेया है, तो श्रेया कैसे भी है, मान लो एक दिन श्रेया बहुत सीधी आ रही है और एक दिन श्रेया टेढ़ी मेढ़ी आ रही है, तो दीक्षा का बिहेवियर तो वैसे रहेगा ना, क्या बेहतर, तो वही है, ठीक है, कैसे भी है, तो बात तो बात बात करने का तरीका तो चेंज होएगा। जैसे मान लो श्रेया एक दिन सीधे हो गई तो श्रेया ओ हेलो हाउ आर यू, और एक दिन आई तो कहते हो अबे अपन को वहां पे चल लिया क्या बे, तो ऐसा नहीं है, कहीं पर भी नॉर्मली जैसे बात करते हो वैसे करोगे। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो इसलिए तुम्हें चला के दिखाते हैं टीचर्स, तुमको जान पूछ के चला के से क्वेश्चन पूछ, नॉन यूनिफॉर्म की जगह पे वो नॉन यूनिफॉर्म लगा देते हैं, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है भाई, याद रहेगा। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है मेरे पास जाई, तो इसकी जैसे मैंने बताना जाई का मतलब क्या था, जाई एम का मतलब susceptibility, yes, तो इसकी जो susceptibility होती है ना, ये ध्यान रखना, इसकी वैल्यू माइनस वन से लेके जीरो तक रहती है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, ठीक है। इसकी जो susceptibility होती है वो जीरो से लेकर बोला जाता है ये वन तक आती है, मतलब जीरो से लेके वन तक, और फेरो के लिए बोला जाता है कि जाई एम की वैल्यू वन से बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना भाई। तो डाई के लिए ये, पैरामैग्नेटिक के लिए ये, और फेरोमैग्नेटिक के लिए बहुत ही ज्यादा जाई एम आता है, क्योंकि ज्यादा मैग्नेटाइज हो गया ना यार, बताया था ना कि इंटरनल कितना होगा, तो जाई एम अगर वन से ज्यादा आएगा तभी तो ज्यादा आएगा। अच्छा देखो, ऊपर आओ सर, बच्चे ध्यान से देखना, ये देखो ये है मेरे पास मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है ना। तो जरा मुझे एक बात बताना, अगर मान लो एच, एच का मतलब मान लो मैंने तुम्हें बाहर से मैग्नेटिक फील्ड दी 25, ठीक है भाई, बाहर से मैग्नेटिक फील्ड तुमने 25 दी, और अंदर ही अंदर उसने एक्चुअली में 50 का ज्ञान गेन कर लिया, तो जरा बताना ये वैल्यू 1 से ज्यादा आई या कम आई, ज्यादा। तो इसका मतलब बताओ, इसने अंदर ही अंदर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनाई थी या कम बनाई थी, ज्यादा। तो ये तो है फेरो, फेरो का मतलब स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड, 1 से ज्यादा आएगा नहीं आएगा, ठीक है। ये देखो क्या लिखा है, फीबली अट्रैक्टेड, फीबली, फीबली का मतलब थोड़ा थोड़ा, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आएगा, तो थोड़ा थोड़ा आएगा, तो मान लो 25 भेजा था तो आया कितना, 20, तो 20, हां सर हो गया 20, हेलो सर, हां मुझे पता था तुम एक्साइटेड हो जाओगे, अरे तो आप ही 20 सुनो तो, अच्छा सुनो ना, हां सर, कल जो क्लास हुई थी, मैसेज डाल दे करो सर, अगर कोई बच्चा क्लास में नहीं आता तो सर एकदम से, अगर आपका इतना प्यारा बच्चा हो सर, मैं एक मतलब मैसेज डाल दे, कुछ तुम क्यों नहीं आ रहे हो, क्या कल तुम क्लास में, हाँ कल ना तो, कल ना तो तुम थे ना विदुषी थी, मुझे याद है अच्छे से, तो याद है लेकिन नहीं, मतलब सर हम आपसे, मुझे लगा कि तुम लोगों कहीं घूमने उमने गए होगे, क्यों, अरे सर वाओ, सच में भाई से निकलने नहीं देते, मतलब और कह रहे घूमने उमने गए होंगे, तो भाई प्लीज, तुम्हें पता है ना कि सर, हाँ हाँ बोलो बोलो, हम्बल रिक्वेस्ट दोनों की सर रिकॉर्डिंग आज ही डाल देना प्लीज, ठीक है मैं डाल दूंगा पक्का, अब इस वीक तुमको सारी रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी, तो और सर प्लीज मैसेज कर दिया करो, कि मैसेज क्या, कॉल ही कर दिया करो सर, हम बहुत, कुछ तो नहीं आया, कुछ आया नहीं आया, वो कुछ तो नहीं आया, तो चलो चलो पहले बच्चो रुक जाओ, मैं पहले कुछ को कॉल कर लूँ ना, उसने बोला था, हेलो तुम क्यों नहीं आए, तो बोलेगा कि सर मैं सो रहा हूँ, बाद में कॉल करना,
नहीं 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 क्लास चल रही है अभी आओ मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, और मैं बच्चों को बंदा में ड्रॉप के रखूं। ये अरे ऐसा सर मैं जैसे आप बुलाओगे ना आप मिस कॉल दे देना बस सर, ना मैं फोन के पास ही मिस कॉल कर देंगे। थैंक यू सर, लव यू सर। तो हमारे पास है चलो, तो ये जाई एम समझ में आ गया भाई, तो जिसका ज्यादा करा जाएगा तो वो मेरे पास वन से ज्यादा आएगा। किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? यस पीपल नो सर। अच्छा इसी तरीके से मेरे पास एक क्या होता है म्यू होता है, तो म्यू का मतलब क्या बताया मैंने, परमिएबिलिटी यस और नो। तो देखो इसकी देखो परमिटिविटी yes. नेगेटिव नहीं होती है, तो इसकी बोला जाता है कि ये जीरो से लेके वन तक होता है, ठीक है। इसका बोला जाता है कि ये जो मेरे पास वन से लेके मतलब जो इसकी परमिएबिलिटी है वो देखो एक्चुअली मैं ना एक मेरे पास इसको क्या बोले कि जैसे ये वन से या सिंपल बोलो कि ये वन से हमेशा ज्यादा होता है, कोई रेंज ऐसे सच लेने की जरूरत है नहीं, तो ये वन से मेरे पास ज्यादा होता है। लेकिन ध्यान रखना इतना ज्यादा मत लेना कि ओ ज्यादा होता है इसका मतलब एक करोड़, अरे भाई डायरेक्ट एक करोड़ पे मत पहुंचना, मतलब वन टू थ्री फोर यहाँ तक जाता है, तो इतना हाई लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर तुमने ज्यादा ले लिया तो पता है किसके लिए हो जाएगा, तो वो मेरे पास हो जाएगा ज्यादा इसके लिए फेरो। हाँ तो एक्सट्रीमली हाई किसके लिए होता है मेरे पास, फेरो के लिए होता है। तो मान लो अगर ये 1000 है तो ठीक है ना, इतना तो ये मेरे पास 1000 से हमेशा ज्यादा आता है। वैसे जो पैरामैग्नेटिक है उसकी वैल्यू ज्यादा मतलब ऐसे ही आती है कि 10 आ गई चलो 15 ले ली तुमने, तो कभी हाई वैल्यू इतनी नहीं होती है। हाई वैल्यू आ गई है तो वो ज्यादातर फेरोमैग्नेटिक के अंदर आ जाता है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई इसके अंदर? यस पीपल नो, ठीक है। अब बस एक चीज का ध्यान रखना, ये जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं ये टेम्परेचर से कभी अफेक्ट नहीं होता इनका मैग्नेटिज्म, तो इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये टेम्परेचर से बिल्कुल भी डिफेक्ट मतलब कोई भी अफेक्ट नहीं होता है, इंडिपेंडेंट। स्पेलिंग सही लिखी है ना मेरी बच्ची? कहाँ गई केमिस्ट्री की ये इंग्लिश वाली मैडम? श्रेया सही है स्पेलिंग? नहीं नहीं गलत है, तो गलत है, गलत है। क्या लिखा? पहले पहले लिखना था तो मुझे इंडिपेंडेंट। हाँ अब सही है ना, बताओ बताओ। बिल्कुल सही है, ठीक है पता है मुझे। और ये अच्छा देखो, और ये जो होते हैं मेरे पास ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो ये टेम्परेचर से मेरे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब अगर तुम टेम्परेचर को ज्यादा कर दोगे तो ये मेरे पास चेंज हो सकता है। एक्चुअली क्या देखो इसको ना ये मैं लिखना चाह रहा हूँ, मान लो जाई एम के बारे में, तो इसकी ससेप्टेबिलिटी को लिखते हैं। तो इसकी ससेप्टेबिलिटी अगर है तो वो टेम्परेचर से इनवर्सली होती है, ऐसी इसकी भी इनवर्सली। देखो दोनों ही अट्रैक्टेड हो रहे हैं ना, इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ससेप्टेबिलिटी मेरी कमी होगी। ठीक है भाई, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? यस पीपल yes, तो इस चीज का ध्यान रखना। ये हमारे पास अब देखो एक चीज और बस, जो डायमैग्नेटिज्म है, डायमैग्नेटिक मटेरियल है ना, अगर मान लो तुमने इस ये मान लो मेरे पास एक मैग्नेट लेकर आए, तो ये मैग्नेट के अट्रैक्ट करता है या दूर जाता है मैग्नेट से? दूर जाता है, तो ये नफरत उससे करता ही है, ठीक है। तो ये और ये नफरत हमेशा परमानेंट है। जैसे मान लो एक बार श्रेया कहीं पे जा रही थी और श्रेया ने मान लो किसी को देख लिया, मान लो कोई भी है जिससे बहुत नफरत करती है, मैं नाम नहीं ले रहा, मान लो कोई आकाश है, ठीक है, और श्रेया आकाश से बहुत नफरत करती है। विमल। हाँ विमल। चलो ठीक है ठीक है, मान लो विमल से इसकी लड़ाई हो गई, ठीक है, और विमल ने ऐसे बोला चल, तो नहीं बोला चल मैं क्लास लीव कर दूंगी, चेंज कर दो, तो हेट वाला, तो दोनों की लड़ाई हो गई, अभी दोनों बात नहीं करते। अरे दोस्ती की बात चल रही है, तुम क्या सोच रहे हो, तुम ऐसे हंस के रहे हो, दोस्तों किसी कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ, अब इसने विमल से ना अभी इसके अंदर ना नफरत आ गई इसके अंदर, तो इसने बोला कि आई हेट यू, ठीक है, तो ये बहुत नफरत करने लग गई उससे। तो जब भी विमल का नाम आएगा तो ऐसा थोड़ी है कि नहीं नहीं सामने बोली आई हेट यू और बाद में फिर कुछ और कह रही है कि नहीं नहीं वो दोस्त है मेरा, ऐसा नहीं है। तो वो हेट है तो हेट है, दिल से हेट कर रही है वो। तो इसका मतलब ये जो देखो नफरत था, ये डायमैग्नेटिक मटेरियल ये मैग्नेटिक फील्ड से नफरत कर रहा था या फिर कुछ और कर रहा था? नफरत कर रहा था, तो ये नफरत है। तो इसका मतलब अगर तुमने मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी दिया तो बताओ तब भी इसके अंदर वो नफरत वाली प्रॉपर्टी रहेगी या नहीं रहेगी? रहेगी रहेगी। तो ध्यान रखना इसका जो मैग्नेटिज्म है तो वो हमेशा रहता है, चाहे तुम उस मैग्नेटिक फील्ड को हटा दो, ठीक है, तो वो हमेशा मैग्नेटाइजिंग लास्ट तक रहेगा, इसके जिंदगी भर तक रहेगा। लेकिन ये पैरा ये देखो ये अट्रैक्ट होता है, फीबली अट्रैक्टेड, थोड़ा सा अट्रैक्ट हो गया। ऐसे कुछ लोग होते हैं जैसे मान लो कहीं पे मान लो एक लड़का गया, ठीक है, तो वो क्लास में आया तो उसको अच्छा लग रहा है, कह रहा है आई एम गेटिंग अट्रैक्टेड, तो वो उधर देख रहा है उधर देख रहा है उधर देख रहा है, तो उसको अट्रैक्शन फील हो रही है, ठीक है। मैंने कहा तुम कल से क्लास में नहीं आओगे, तुम दूसरे बैच में आओगे। वो दूसरे बैच में आया
तो अब उसे एक नई टाइप की अट्रैक्शन लग जाएगा, वो कह रहा है सर यहाँ भी मजा आ रहा है, उधर देख रहा है, उधर देख रहा है, उधर देख रहा है। इसका मतलब उसकी अट्रैक्शन वो परमानेंट थी पहले वाली या टेम्पररी थी? परमानेंट, टेम्पररी था। पहले वाले बैच में वो किसी और को देख के अट्रैक्ट हुआ, दूसरे वाले बैच में किसी और को देख के अट्रैक्ट हुआ, तो ये परमानेंट हुई अट्रैक्शन? नहीं नहीं, टेम्पररी हुई ना, ठीक है। और मान लो अब वो कहीं ऐसी जगह चला गया कि जहां पे कोई भी नहीं, मैंने कहा तुम पर्सनल क्लास लोगे मेरे से, तो वो अब पर्सनल क्लास में अट्रैक्ट हो पाएगा? ये मत बोलना मुझे आपसे अट्रैक्ट होगा। नहीं 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 नहीं, ठीक है तो चुप हो जाओ, ये कौन बदतमीज है, अभी रुक जाओ, तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेंगे हम। तो फाइनली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये पैरामेडिक वाला मेरे पास टेम्पररी हुआ या परमानेंट हुआ? Temporary. इसका मतलब कहनाई से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज रिमूव, आई मीन मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव, तो फाइनली मैग्नेटिज्म भी लूज हो जाएगा, तो मैग्नेटाइजेशन इज लॉस्ट, यस और नो? इसका मैग्नेटाइजेशन लॉस्ट हो जाएगा, लेकिन कब होगा लॉस्ट? कब होगा लॉस्ट? जब मैग्नेटिक फील्ड तुम हटा दोगे, जब तक लोग होंगे जब तक तुम अट्रैक्ट करेगा ही करेगा ना, तो इसलिए इसमें लॉस्ट होता है। लेकिन बस ध्यान रखना, ये वाला भी परमानेंट होता है एक तरह से बोल दो, परमानेंट अफेक्ट, और ये वाला भी मेरे पास परमानेंट अफेक्ट शो करता है, ठीक है ना। फेरोमैग्नेटिक भी क्या होता है? परमानेंट होता है। अगर तुमने एक बार मतलब स्ट्रांगली है, अगर एक बार जिसने उसको देख लिया कि बस अब यही है और अब पूरी जिंदगी भर मेरा दोस्त ये रहेगा, अब तो सब भूल जाओ, मुझे और किसी को कुछ दिखाई नहीं देता, बस वही दिखाई देता मुझे हर जगह पे, या दिखाई देती है जो भी है, ठीक है। तो वो क्या हो गया मेरे पास? फेरोमैग्नेटिक। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? नहीं, तो कौन, तो अपनी मैग्नेटाइजेशन कौन रिटेन करके रखता है अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव भी कर दिया तो? डाई और फेरो। और वो नलायक कौन है जो एकदम चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम? पैरा। पैरा, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे बोल रहे कि सर हम भी तो पैरा जैसे हैं, बदतमीजी मत करो, ठीक है। तो पैरा लूज करता है। तो इसी के साथ प्यारे प्यारे बच्चों, फाइनली तुम्हारा ये वाला चैप्टर भी होता है यहाँ पे समाप्त, और इसी के साथ तुम्हारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं तुम्हारे 5 चैप्टर्स फिजिक्स के, ठीक है। तो कैसा लग रहा है तुम सब लोगों को? 5 चैप्टर खत्म हो गए तो हमें क्या लगेगा सर, कराओ मत कराओ, एक ही बात है, एक कराते तब भी ऐसी लगता, 5 कराते तब भी, 10 कराते तब भी ऐसे लगता, हमें कोई वो थोड़ी है, am I right? Very good. तो फाइनली देखो, अब तुम्हारी छुट्टियां हैं कल से, ठीक है। तो वैसे तो हमें एंजॉय करना है, ठीक है, एंजॉय भी करना, लेकिन थोड़ा बहुत जिसका जो पोर्शन रह गया है तो एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, या फिर टॉपिक के न्यूमेरिकल्स में इसका ट्राई कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट जब वीक में आओगे तो ध्यान रखना, टेस्ट की अनाउंसमेंट होगी, और ऐसा नहीं 1-2 चैप्टर का, 3-4 चैप्टर का एक साथ हो सकता है टेस्ट। तो आई होप तुम थोड़ा बहुत पढ़ोगे भी, 12th क्लास है, ठीक है। तो ये चांस मिला है तुम्हें, तो अपने स्कूल में रैंक लाने का बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आराम से। अलग अलग स्कूल में हो तुम सब, कोई फाइट तो है नहीं, तो अपने स्कूलों में कम से कम टॉप 3 के अंदर रहो, ठीक है। फर्स्ट भी आ सकते हो ऑफ कोर्स, तो टॉप 3 के अंदर रहोगे तो और अच्छी बात है, ठीक है भाई। तो किसी को कोई भी डाउट है? नो सर। देखो एक टॉपिक और है वैसे हिस्टेरिसिस, लेकिन वो सिलेबस से कट चुका है, लेकिन अगर वो अगर फिर से ऐड कर दिया जाएगा इस साल तो हम उसे भी करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वो टॉपिक कट चुका है तुम्हारा लास्ट ईयर, ठीक है। तो हिस्टेरिसिस वाला है वो। तो चलो भाई, और क्या प्लान है दीक्षा, मिलने मिलने का प्लान है या नहीं तुम लोगों का? तुम लोग मिलते हो आपस में? नहीं, वैसे तो नहीं मिलते होंगे। अभी तो नहीं, अभी नहीं मिल पा रहे थे। अच्छा, कोई है जिसकी सोसाइटी में कोरोना नहीं है? श्रेया, कृति, दीक्षा, कुश, कुश के तो है, मेरे में भी आ गया, मैं सबके में आ गया है। यहाँ पे कोई ऐसा है जिसकी सोसाइटी में एक भी कोरोना केस ना हो? कोई भी नहीं बचा? अरे वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। मनराल, मनराल तुम्हारी कौन सी सोसाइटी है? मनराल, He lives in slums. सर मेरी में नहीं है क्या? यू कौन सी सोसाइटी है भाई? अच्छा प्रियांशु कह रहे मेरी में नहीं है। या प्रियांशु तुम्हारी कौन सी सोसाइटी है? ला रेजिडेंशिया। सर इसके लिए मैं बहुत झूठ बोल रहा है, छुपा रहा है। ला रेजिडेंशिया, यार मैंने सुना है ला रेजिडेंशिया में बिल्डर काम नहीं कर रहा, लोगों ने कुछ नहीं करता सर, 40 टावर बना के खड़े कर दिया, पता नहीं किन के लिए। अबे मैंने न्यूज़ में सुना कि वहाँ का बिल्डर कूड़ा वूडा नहीं उठवा रहा है, तो लोगों ने क्या किया, सारा कूड़ा को उनके मेंटेनेंस ऑफिस के सामने फेंक दिया। सर गार्ड साहब सैलरी भी नहीं देते? हाँ हाँ, गार्ड वाले भी वो कर रहे थे प्रदर्शन कर रहे थे। सर मजा आता होगा वहाँ पर रहने में तो, बिल्कुल सही सुना है सर। यार ये तो बहुत गलत बात है यार, कैसा गंदा बिल्डर है। दो लड़के गए थे, पुलिस आ गई थी।
अच्छा चलो वेरी गुड, तुम बड़े एक्साइटेड हो गए हो प्रियांशु का नाम लेते ही, क्या बात है, क्या चल रहा है आजकल? खुश अच्छा प्रियांशु का नाम लेते जितनी एनर्जी तुम्हारे अंदर आई है इतना तो शिरा के अंदर भी नहीं आती, कृति का नाम लेते हैं, दीक्षा का नाम लेके चलो भाई चलो भाई तो फाइनली चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीक, बाकी एंजॉय करो यार खूब और ध्यान रखो अपना, ठीक है, कोरोना वोरोना मत लेकर आ जाना, कहीं आ गए कि सर मुझे तो कोरोना हो गया मैं नहीं ले सकती क्लास, ठीक है, तो अपना थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, और एंजॉय करो, खाओ पियो एंजॉय करो, बाकी मिलते हैं, चलो पहले प्रियांशु को बोल देते टॉर्चर ना करे मेरे को मैसेज, चलो कोई बात नहीं प्रियांशु थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है, लीडर वीडर बनो यार, क्या कर रहे हो, सोसाइटी संभालो, लीडर बनने का ये तो अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बनो, दो छाते गिरवा दे लाल छाते की, ठीक है, वैसे आज और गिर गई है गांव सिटी के अंदर, वो मलबा गिर गया ऊपर से, चलो ये सब तो गिरता रहेगा, चलो 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 भाई मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक, ठीक है, एंजॉय करना और पढ़ाई का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना, ठीक है, किसी को भी कोई डाउट है अब तक जितना भी हुआ है? नो सर, चलो बाय, बहुत हाँ मेरे को भी बहुत याद मिल रहा, तो अभी से मेरे आंसू आ रहे हैं लेकिन मैं कंट्रोल कर रहा हूँ उसे, ठीक है, मेरा दिल रो रहा है, ठीक है, तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय हार्ट, ठीक है, बाय बाय, क्या बताऊं भाई तेरी आवाज कट रही है भाई, क्या बोल रहा है भाई तू, व्हाट्सएप पे आ जा, ठीक है, मैं बात करता हूँ, हाँ चलो भाई बाय बाय, पता नहीं क्या बोल रहा है, एक तो इसे पता नहीं क्या हो गया।